लोगों के घरों से निकल रहे पानी की जांच करने के लिए हाइड्रोलॉजिस्ट की टीम रविवार को बिलासपुर पहुंची। शहर के रोड़ा सेक्टर, डियारा सेक्टर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सहित सिनेमा कॉलोनी में टीम ने निरीक्षण कर सारे मामले की जांच की। टीम में पहुंचे विशेषज्ञों का कहना है कि बिलासपुर जिला में कुछ दिनों के भीतर ही बढ़े तापमान के चलते ऐसा हो रहा है, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल आम बात है। बढ़ते तापमान के चलते लोगों के घरों में ये पानी का रिसाव हुआ है। टीम के साथ पहुंचे सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट भुवनेश कुमार ने घट रही इस घटना के बारे में क्या कुछ कहा, सुनिए। कल मैं इंदौरा साइड था, वहाँ भी कुछ लोगों से बात हुई थी कि ऐसा हुआ, वहाँ भी आ रहा है। और कल ही कुछ रिपोर्टर्स जनता वगैरह साइड से भी फोन कर रहे थे, उनका भी आ रहा है। अभी यहीं डीसी ऑफिस में पता चला, बरमाना में भी सिमिलर है। तो इन सारों में कॉमन फैक्टर एक ही है कि वेदर, तो दैट इज दी ओनली इशू, वेदर इज दी मेन कॉज की ऐसा होता है। सारा ग्लोब मतलब वार्मिंग का ये है कि टेम्परेचर जो है अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और वॉल्स और फ्लोर्स जो हैं वो बड़े ठंडे हैं घरों के अभी भी। सो कुछ नहीं हो रहा है, जो एयर है हॉट एयर जब कोल्ड सरफेस को छूती है तो कंडेंसेशन होती है, वो जितना ह्यूमिडिटी है दैट इज़ बीइंग रिलीज। तो वही इशू है, जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ते जाएंगे ये निकलता जाएगा, मॉइस्चर कम होता जाएगा। आज ही दो दिनों में इनके देयर सीइंग सर्टन विजिबल कि कल ज़्यादा था आज कम हो रहा है, उधर बिलासपुर एसडीएम सुभाष गौतम ने बताया कि दो दिन से लगातार बिलासपुर शहर के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लोगों से अफवाहों से दूर रहने और इनसे बचने के लिए भी अपील की जा रही है।